पिछले दो हफ्ता से मैं पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत किया हूँ. पवित्र आत्मा कौन है, क्या वो हमारे विषय में कर सकता है, हमारे जीवन में करता है. आज मैं उसमें और आगे बढ़ना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में. और ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ये ज़रूरत है, क्यों ये ज़रूरत है कि विश्वासी लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करें. क्या कारण है, क्यों ये ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त करें. मैं पहले बताया, आज भी फिर बताता हूँ कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करना हर एक मसीह विश्वासी के लिए है कि तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करो. और मैं इस उपदेश से यही बताना चाहता हूँ कि हर एक मसीह विश्वासी को ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का खोजी करना बहुत ही ज़रूरत है. उसको ढूंढना, उसको पाना, प्राप्त करना और उसके सामर्थ्य के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना बहुत ही ज़रूरत है. मैं बाइबल में से पढ़ता हूँ, पहले प्रेरितों के काम में से. मैं इसको पिछले हफ्ता पढ़ा था, आज फिर मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ज़रूरत है कि हम लोग देखें कि जो कुछ हम कहते हैं यहाँ से वो बाइबल में से हम लोग लेते हैं. बाइबल में से हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित काम पहला अध्याय चौथा पद. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद चेलों से मिला. चेलों से मिलकर उन्हें ये आज्ञा दी कि जरूशलम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. थोड़े ही दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे. फिर वो इफिसियों की किताब में पौलुस कहता है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ. दाखरस यहाँ पर रहे, हम लोग आज कहेंगे दारू पीना, बिया पीना और तरह तरह के जो नशेली वाले चीज़ हैं. वो कहता है कि उससे मतवाला नहीं बनो क्योंकि उससे क्या होता है, लुचपन होता है. परंतु वो कहता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. हमारे जो ये दो भाग मैंने पढ़ा है उसमें दो हुक्म है, दो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है. एक है पवित्र आत्मा के विषय में, एक है यीशु मसीह की तरफ से और एक है पौलुस जिसको उसने ये आज्ञा दिया. पहला हम लोग देखते हैं जो पहला भाग मैंने पढ़ा वर्स 4 में, यीशु मसीह का आज्ञा, कहीं नहीं जाना जब तक वो प्रतिज्ञा पूरा ना हो जाए जिसकी चर्चा मैं तुम सुन चुके हो. क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. यीशु मसीह का अपना वचन है. फिर पौलुस कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ. ये हुक्म है हर एक मसीह विश्वासियों के लिए कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ. इन आज्ञाओं को अगर हम लोग देखेंगे, ये हुक्म है, ये दिस कमांडमेंट्स, इफ वी सी दैट इट डेमोन्स्ट्रेट्स द पावर, द नेसेसिटी ऑफ वंस बीइंग बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट. ये हुक्म जो, ये आज्ञा जो यीशु मसीह और पौलुस ने दिया है, इससे हमें ये मालूम होता है कि हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़रूरत है हमारे मसीह जीवन के लिए. आज हम लोग देखेंगे कि क्यों हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़रूरत है, कि हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेना. मैं बहुत समय इसमें नहीं लूँगा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जाने. पिछले हफ्ता मैंने बताया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए है. आज मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों ये ज़रूरत है, क्यों ये ज़रूरत है कि हर एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले. एक कारण है क्योंकि हमें एक ऐसा जीवन निर्वाह करना है जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है. एक ऐसा जीवन, हम जो मसीह विश्वासी है, एक ऐसा जीवन हमें इस पृथ्वी में निर्वाह करना है जो हम खुद अपने आप नहीं कर पाए, हमारे पास वो ताकत नहीं उस करने के लिए.
It's beyond our ability. We are required to live a life like that. बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि बाइबल से हम लोग सीखते हैं किस तरह का जीवन हमें निर्वाह करना चाहिए द टाइप ऑफ लाइफ दैट वी शुड लिव वी फाइंड दैट इन द बाइबल किस तरह का जीवन जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 में हम लोग पढ़ते हैं जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना हूं यानी यीशु मसीह में बना है उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चेले जैसा वह है चलता रहे जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें यानी यीशु मसीह में बना रहता हूं यानी कि तुम क्रिश्चियन हो तुम प्रभु यीशु मसीह में हो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे में बना है तो वो कहता है कि उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है कौन यीशु मसीह जैसे चलता है तो हमें देखना पड़ेगा कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था इसीलिए जरूरत है हमें जानने के लिए कि हमारा जीवन जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जब हम मसीह विश्वासी है नया जन्म प्राप्त कर लिए हैं तो हमारा जीवन यीशु मसीह से मिलना चाहिए किस तरह का जीवन वो था हम बाइबल को पढ़कर पहचान सकते हैं मैं उसमें भी पूरा तरह से नहीं जा सकता हूं लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जैसे वो है अगर हम यीशु मसीह में बने हैं और यीशु मसीह हमारे में है तो हमारा जीवन वैसे ही होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का था उससे मिलना जुलना चाहिए उसके विचार क्या था उसके ख्याल क्या था उसके दया उसका प्रेम उसके कार्य जैसे था वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे में भी वह रहे प्रभु यीशु मसीह ने कई एक बार कहा है जगत के ज्योति मैं हूँ उस फिर उसने कहा कि जाते जाते उसने कहा अब तुम जगत के ज्योति हो तुम नमक हो तुम दिया हो सभी तरह से उसने हमें बताया इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यीशु के तरह जीवन निर्वाह करना है देखना पड़ेगा किस तरह से यीशु अपना जीवन निर्वाह किया ये एक कमांड है एक आज्ञा है दूसरा चीज हम लोग देखते हैं पहला पत्रस की किताब में पहला पत्रस की किताब 15वां अध्याय फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 से 15 एंड 16 वर्स 15 में लिखा है पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो तुम्हारा बुलाने वाला कौन है यीशु मसीह हमें बुलाया है जैसे वो पवित्र है वो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भी वैसे रहे वर्स 16 में क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं बिकॉज इट इज रिटन बी होली फॉर आई एम होली Verse 15 in English, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation or all manner of living. तो ये एक बहुत भारी मांग है हमसे यहां पर पवित्र का मतलब होता है कि अलग किए गए separated. हम लोग पुराने जीवन की तरह नहीं है संसारिक लोगों की तरह नहीं है लेकिन हम लोग अपने आप को अलग किए हैं that's what Pure means, purity means, पवित्रता का मतलब होता है कि हम अलग रहें हम लोग संसारिक चीजों में नहीं मिल जाए हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न रहे क्या संसार के लोग करते हैं उस तरह से नहीं यहाँ पर वो कहता है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो चाल चलन में तुम अलग हो जाओ दूसरे तरह के हो जाओ इसीलिए बाइबल में बताता है जितने लोग मसीह में है उनका जीवन क्या हुआ है बिल्कुल नया हो गया है पुराने बातें सब खत्म हो गई हैं सब कुछ नया हो गया है हमारा जीवन जब हमने नया जन्म को प्राप्त किया है हम लोग एक नया जीवन को प्राप्त कर लिए इसीलिए यहाँ पर एक हुक्म है कि पवित्र जीवन निर्वाह करो अलग किया हुआ जीवन संसार के लोगों की तरह नहीं जो कि अविश्वासी लोग करते वैसे हम नहीं करेंगे जो अविश्वासी लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर हम नहीं जाएंगे जो अविश्वासी लोग तरह तरह के काम करते हैं उस तरह के हम नहीं करेंगे लेकिन हमारा चाल चलन बिल्कुल फर्क रहेगा और हम जानते हैं कि कहाँ पर हम लाइन लगाएंगे हमारे मैं जानता हूँ कि हम लोग के ज़्यादा मित्र लोग परिवार में लोग हैं जो अविश्वासी हैं और शायद वे कहेंगे चलो ऐसा करें तो तुम्हें जानना चाहिए कि यहाँ पर एक लाइन है
उस लाइन का पार मैं नहीं जाऊंगा। और हमें हिम्मत होना चाहिए, ताकत होना चाहिए कहने के लिए कि नहीं मैं नहीं करूंगा। ये पवित्रता है। दिस इज व्हाट वी कॉल बाय होली लिविंग, प्योर लिविंग, टू बी एबल टू सेपरेट योरसेल्फ एंड से लुक यू गो अहेड एंड डू व्हाट यू वांट टू डू बट आई एम नॉट क्रॉसिंग दिस लाइन, मैं उस पार नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए वो कहता है तुम्हारा चाल चलन भी पवित्र रहे। योर लाइफ स्टाइल हैज टू बी सेपरेटेड, डिफरेंट। कैसे हो सकता है? तीसरा चीज जो हमें करना है, मती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मती रचित सुसमाचार, हमारा जीवन एक प्रेम का जीवन होना चाहिए, प्रेम का जीवन। मती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तुम सब सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर करो। पर यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रेम का जीवन हमें निर्वाह करना है, बदला लेने वाला नहीं। ज्यादातर जो अविश्वासी लोग हैं वे लोग बदला लेने के विषय में बातचीत करते हैं। हमारे एक घुसा मारे, हम दो घुसा मारेगा। हमारे गार्डन में आए कि उसके मुर्गी कैबेज सब खा ली से, तो हम शुआ करेगा कि हम लाइक पाराकोट छोड़ देंगे उसकी कैबेज में। बदला लेने वाला है कि नहीं? ऐसे ही होता है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरी से प्रेम रखो। पड़ोसी से तुम झगड़ा झंझट नहीं, प्रेम करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब देखो तुम्हारा जीवन कैसे होगा। लेकिन ये है हुक्म कि हम एक प्रेम का जीवन निर्वाह करें। बहुत जरूरी है मसीहों को इसके विषय में याद करना कि हमारा जीवन जो है बिल्कुल फर्क रहे, भिन्न रहे औरों के द्वारा, बदला लेने वाला नहीं। पड़ोसी आए कि तुम्हारा कैबेज सब खा लिया, तुम गुलगुला बना रहे हो, उसके दे दो, केक बना कर ले जाके दो भाई, थैंक यू। तुम मुझे गाली वगैरह दिया, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और तुम देखो कितना फर्क हो जाएगा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे पड़ोसी और इनके साथ में। प्रेम का जीवन। तो यहां पर तीन चीज मैं आपके सामने जल्दी से रखता हूं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का, एक पवित्र अलग किया हुआ जीवन, और एक जीवन जो प्रेम से भरा हुआ है, लाइफ ऑफ लव, अ लाइफ ऑफ प्यूरिटी, अ लाइफ लाइक जीसस क्राइस्ट। दिस इज व्हाट गॉड डिमांड्स ऑफ अस, परमेश्वर हमसे चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये माना हुआ बात है कि हम लोग बहुत कमजोर हैं, मनुष्य हैं, हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम इस तरह का जीवन को निर्वाह करें, प्रेम का जीवन, पवित्र जीवन, अलग किया हुआ जीवन। क्योंकि आप जानते हो, मैं जानता हूं, सभी लोग जानते हैं यहां पर, कि हम लोगों को दूसरे से घृणा करना बहुत जल्दी आ जाता है। हेट समबॉडी कम्स अप वेरी क्विकली। कंप्लेन करना, किसी के विषय में कुछ बोलना बहुत जल्दी से आ जाता है। एक वीडियो में देखा था जिसमें एक मेरे ख्याल से मैथ टीचर था कोई था, एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम उसने लिखा और उसमें गलत आंसर था उसका, और बाकी जितना उसमें लिखा वो सब सही आंसर था। और जो स्टूडेंट्स लोग थे वे हंस रहे थे और उसे बताया कि वो रॉन्ग है, दैट आंसर इज रॉन्ग। टीचर घूम के बताया, बोले हाँ मैं जानता हूँ रॉन्ग है, लेकिन तुम जानते हो यहाँ पर 10 और मैं सही करा, राइट आंसर है 10 में, एक में गड़बड़ी है और तुम लोगों को सिर्फ वही एक गड़बड़ी दिखाई दिया और बाकी नहीं दिखाई दिया। ये हमारा जीवन ऐसे ही ना, अगर कोई गड़बड़ी कर दिया हम लोग को दिखाई जाए, जल्दी से दिखाई जाए, अरे वो ऐसे कर दिया, देखा। चाहे जितना अच्छा काम वे लोग किए होंगे उसको हम लोग नहीं देख सकते, अच्छा अच्छा काम करेगा हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन कंप्लेन करने में हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा स्वाभाविक जी है, इट्स अ नेचुरल थिंग, एवरीबॉडी डज दैट, वी ऑल आर गिल्टी ऑफ दैट। जल्दी से हम लोग
जो जिस तरह का जीवन संसार के लोग बिताते हैं उस तरह का जीवन बिताने के लिए हम लोग जल्दी कर देते हैं। जैसे संसार के लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से यीशु मसीह में चाहता रहने के लिए, वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। ये हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। गलत जगह पर जाना, गलत काम करना, गलत विचार लाना, गलत लोगों के सामने साथ में मेल मिलाप करना, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह की तरह जीवन निर्वाह करना थोड़ा कठिन हो जाता है। सबको कठिन होता है, मुझे भी कठिन हो जाता है। पौलुस पुकार कर कहता है, मैं कैसा अभागी मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। ओ रिचड मैन दैट आई एम, हु शैल डिलीवर मई फ्रॉम दिस बॉडी। ये पाप का बॉडी जो है, ये पापी शरीर, जो पापी आदत है, बुरे आदत है, कौन मुझे छुड़ाएगा। पौलुस चिल्लाकर कहता है, मैं अभागी हूं, कौन मुझे छुड़ाएगा ऐसे जीवन से। और शायद हम लोग कहेंगे, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब तक हम लोग इस पृथ्वी में, बहुत कठिन काम है एक अच्छा अलग किया हुआ पवित्र जीवन, यीशु मसीह की तरह जीवन करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें एक मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है, एक ताकत दिया है, जिसके द्वारा हम लोग ऐसा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। जवाब हमें मिलता है पौलुस के शब्दों में मिलता है कि आत्मा में चलो तो तुम बुरे कामों को पूरा नहीं करोगे, शारीरिक लालसाओं को पूरा नहीं करोगे अगर तुम आत्मा में चलोगे। यानी जब तुम पवित्र आत्मा में हो जाओगे, जब आत्मा में तुम होकर अपना जीवन निर्वाह करोगे उसको प्रसन्न करने के लिए, तो तुम्हें सहज हो जाएगा इस तरह का जीवन निर्वाह करने के लिए। किस तरह से हम लोग ऐसा जीवन निर्वाह कर सकते हैं? हम लोगों को परमेश्वर से मदद मिलता है। कैसे ये मदद मिलेगा, कैसे हमें ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, कैसे हमें ये पवित्र आत्मा का सहायता मिलेगा? पहला चीज है, हमें पहचानना होगा कि मैं गलत जगह पर हूं। हमें पहचानना होगा कि यीशु मसीह मुझसे क्या चाहता है, किस तरह का जीवन निर्वाह करने के लिए। हमें पहचानना होगा कि यह जरूरत है कि मैं एक अलग जीवन करूं, पवित्र जीवन करूं, निर्वाह करूं, औरों की तरह नहीं, संसार की तरह नहीं, अलग किया हुआ जीवन। हमें पहचानना होगा कि हमें एक प्रेम का जीवन निर्वाह करना है, लाइफ ऑफ लव। ये हमें पहचानना होगा। फिर हमें ये पहचानना होगा कि कैसे मुझे ये ताकत मिलेगा। जॉन चैप्टर 7:37 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ। किस चीज के लिए प्यासा? पवित्र आत्मा के लिए प्यासा, एक अच्छा जीवन के लिए प्यास, एक पवित्र जीवन निर्वाह करने के लिए, एक ऐसा जीवन जो जो यीशु मसीह की तरह है, एक प्रेम से भरा हुआ जीवन निर्वाह के लिए हमें प्यासा होना पड़ेगा। We have to desire for it. We have to thirst for it. हाँ, मैं चाहता हूं इस तरह का जीवन। Matthew chapter 5:6 में कहता है, दो चीज यहां पर बहुत जरूरत है। हमारा काम, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इन चीजों के लिए तड़पना होगा, भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए कि मैं एक पवित्र जीवन निर्वाह करूं। हमें, हमारे दिल में एक चाह पैदा हो जाना चाहिए कि ये जो जीवन है जिसमें मैं दूसरे से प्रेम नहीं करता हूँ, बदला लेता हूँ, ये जीवन जो मैं संसार के लोगों के साथ में मिल जाता हूँ, पाप के काम करता हूँ, गलत काम करता हूँ, इन सब चीज़ों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। यू वॉन्ट टू डू इट, यू वॉन्ट टू लिव अ सेपरेटेड लाइफ, यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ, ये यू हैव टू थर्स्ट फॉर इट, यू हैव टू डिज़ायर। फिर तुम्हें यह पहचानना होगा कि मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा, ये अलग किया हुआ जीवन जो है, पवित्र जीवन, ये चाल चलन जो यीशु मसीह से मिलता जुलता है, मैं अपने ताकत से नहीं कर सकता हूं। हम लोग अच्छी तरह से जाने दें।
जब हम लोग इस तरह से आएंगे परमेश्वर के पास तो वो हमें आत्मा से भरेगा. He will answer. He will fill us with the Holy Spirit. And He will break down all that habits and practices. ये बहुत जरूरी है. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब हमारे दिल में आएगा तो वो हमें हमारे हृदय में आएगा तो वो हमें सामर्थ्य देगा एक ऐसा जीवन निर्वाह करने के लिए यीशु मसीह की तरह एक अलग किया हुआ पवित्र जीवन, एक जीवन जिसमें प्रेम भरा है. पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ्य देगा. मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जीवन बदल जाएगा जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त करोगे. एक चीज और बहुत जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है क्योंकि हमारे पास एक भारी काम करना है. हमें एक भारी काम करना है और ये काम है हमारे शक्ति से बाहर है. हम लोग नहीं कर सकते अपने शक्ति से. हमारे पास वो चीज नहीं, वो सामान नहीं है, वो हिम्मत नहीं है इस काम को करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है. क्या काम है वो? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 में हम लोग पढ़ते हैं, सारे जगत में जाओ, ये आज्ञा उसने दिया, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, पानी में बपतिस्मा दो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से. ये आज्ञा है, महत्तम आज्ञा, द ग्रेट कमीशन गिवन टू ऑल बिलीवर्स बाय जीसस क्राइस्ट. गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पल, मेक डिसाइपल्स, टीच देम ऑल व्हाट आई हैव टॉट यू, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. ये है the great commission, सबसे भारी आज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है. ये काम हमें करना है, आपको करना, मुझे करना, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? हमारा जो हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं, हमारे पास ताकत नहीं है. व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं है जिसके द्वारा मैं ये काम को कर सकूं. हमारे पास वो पैसा नहीं है जिसके द्वारा हम लोग जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार कर सके. हम अच्छी तरह से जानते हैं, सब जितने यहाँ बैठे सब जानते हैं. शायद आपके पास वो हिम्मत नहीं है, आपको वो शब्द नहीं मिलता, वो बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं है किस तरह से तुम जाकर इस आज्ञा को पूरा करोगे. सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा, उसको पूरा करोगे कैसे? हम लोग करेंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को भेजे या खुद अपने आप दूसरे दूसरे गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करें, पर्चा बांटे या जो कुछ भी करना है, सब में पैसा लगता है, वो भी हमारे पास नहीं है उतना, कैसे हम लोग करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा दिया है कि वो हमें सामर्थ्य देगा कि इस काम को हम कर सकेंगे. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे सब जगह पर, उनके गांव में, समारिया जुड़िया, सब जगह पर और सारे संसार में, संसार के कोना कोना में तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करोगे. एक्स चैप्टर 1:8, कई बार मैंने इसको पढ़ा, आज फिर मैं बताना चाहता हूं. परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है कि वो हमें सामर्थ्य देगा कि इस आज्ञा जो मैथ्यू 28 में है उसको हम लोग पूरा कर सके, सुसमाचार प्रचार कर सके. कोई चीज के घटी नहीं होगा, हम बोल सकेंगे, प्रचार कर सकेंगे, पैसा की घटी नहीं होगा अगर हम विश्वास करें कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बनोगे पृथ्वी के कोने कोने पर. यही तो सबसे महत्तम आज्ञा है उसको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से बताया, चेले लोग जो वहां पर थे 3 साल तक वे लोग यीशु के साथ में थे. यीशु उनको अच्छी तरह से जानता था. आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह पकड़ा गया वे सब भाग गए, सब भाग गए, डरपोक होकर वे दूर दूर चले गए. जब यीशु मसीह मृतकों के बाद जी उठा, उनसे मिला, तब उसने उनसे कहा,
यीशु मसीह जानता था ये लोग नहीं कर पाएंगे मेरे काम, ये आज्ञा जो मैंने उनको दिया ये नहीं पूरा कर पाएंगे, तो इसलिए उसने कहा जरूसलम छोड़ के नहीं जाना, जाओ तुम सब्र करो उस प्रतिज्ञा के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हें बताया। क्या प्रतिज्ञा था? कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे और अन्य अन्य भाषा में बात करोगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम लोग पूरा नहीं कर सकते जब तक कि उसके आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे। सब्र करो, ठहरो कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं मिल जाए, जल्दी में नहीं रहो, ठहरो, समय निकालो, निकलो बाहर, प्रार्थना करो, चर्च में आकर प्रार्थना करो, घर पर प्रार्थना करो, सवेरे के समय प्रार्थना करो, रात के समय आकर समय निकालो परमेश्वर के सामने और कहो परमेश्वर मुझे इस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है, मैं चाहता हूं तुम्हारे इच्छा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर का महत्तम इच्छा है कि संसार में हर एक लोग नसीनू इलाके में हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो जाए। लेकिन कैसे वे विश्वासी बनेंगे जब हम जाकर उनको बताएंगे नहीं, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा में अभिषेक हो जाए, बपतिस्मा को प्राप्त करें और जाए सभी लोगों को बताएं, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करें कि सब लोग विश्वासी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है, महान है, वो हमें अधूरा नहीं छोड़ता। जब उसने हमें एक हुक्म दिया है करने के लिए, वो जानता था कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने कहा सब्र करो, ठहरो जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिल जाए, तब तुम मेरे गवाह बनोगे संसार के कोने कोने तक। आज वही प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, हमें एक ऐसा जीवन निर्वाह करना है जो हमारी ताकत से बाहर है, हमें एक काम करना है जिसके लिए हमारे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं, कुछ नहीं है, हमें सामर्थ्य की जरूरत है और वो है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह देने के लिए तैयार है जब हम अपने आप को अलग करेंगे, पवित्र करेंगे और उसकी सेवा में लग जाए। आप मेरे साथ में खड़े हो जाओ इसमें।